कि सरकार की ओर से चलाए जा रहे राम मनोहर लोहिया स्वच्छता मिशन से बदलाव नजर आने लगे हैं। इस अभियान से लोगों को शौचालय की जरूरत के बारे में जागरूक किया जा रहा है। जहां लोग शौचालय का मतलब नहीं समझते थे, वहां गरीब परिवार भी बहु बेटियों को खुले में शौच के लिए भेजने से कतराने लगे हैं। बदलते बिहार में अब खुले में शौच की समस्या खत्म होने वाली है। शौचालय आज हर किसी की जरूरत है। राम मनोहर लोहिया स्वच्छता मिशन तेजी से आगे बढ़ रहा है। छपरा में भी शौचालय निर्माण के लिए लोगों को जागरूक करने का असर दिखने लगा है और शौचालय बन पाकर लोग गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं, क्योंकि बहु बेटियों को अब खुले में शौच से मुक्ति मिल रही है। बढ़िया काम करता रहे शौचालय बना के। जो पहले बेटी बहिन खेत बधार में जात रहल, बहुत बेटी होता, अब शौचालय गरीब खातिर बन जाता। बेटी बहिन के बहुत पर्दा होता, इज्जत होता। शौचालय बनला से सब लोग के सुविधा ही है, बाकी खेत में जाने से सांप बिच्छू नहीं काट सके। शौचालय बनला से सब लोग के कोनो बीमारी से बचे के कोशिश करता है। वही अधिकारी भी दिन रात एक कर चुके हैं कि जल्द से जल्द हर घर शौचालय का निर्माण हो। मांझी के प्रखंड विकास पदाधिकारी रोजाना ग्रामीणों के बीच चौपाल लगाकर खुले में शौच से होने वाली बीमारियों के बारे में समझा रहे हैं। आज की तिथि में मटियार का छह वार्ड, शीतलपुर का दो वार्ड, ताजपुर का तीन वार्ड और बरेजा का दो वार्ड, बहुत तकरीबन 15-20 वार्डों में ODF हो चुका है और प्रयास मेरे स्तर से लगातार किया जा रहा है। महिलाएं पहले से काफी जागरूक हो चुकी हैं। ये उस प्रदेश के लिए बड़ी बात है जहां ग्रामीण क्षेत्र बड़ा है और गांव में रहने वालों की तादाद बहुत है, लेकिन जागरूकता अभियान से लगता है कि जल्द ही हर घर शौचालय का सपना साकार होगा। राकेश सिंह, जी मीडिया, छपरा।